Yes, what are the activation functions different possible? One is sigmoid. Another one is rectifier linear unit. Sigmoid ka function kya hai? 1 divided by 1 plus e minus x. Max of, ठीक है, इसकी कर्व कैसे जाएगी? स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये ऐसे है, ठीक है। और सॉफ्ट मैक्स फंक्शन भी हो सकता है, लॉग, क्लियर। तो इसकी कर्व कैसे होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन है, ये बेसिकली लीनियर डेटा को नॉन लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। लीनियर डेटा कैसे था आपके पास, एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई प्लस बी आई, ये क्या है, एम एक्स प्लस सी जैसी बन गई ना आपके पास कर्व। तो उसको ये जब इसमें पास करोगे, तो इसमें जैसी पास किया, लॉग ऑफ वन एक्स आई डब्ल्यू आई प्लस बी आई, तो इसने क्या बना दिया, जो लीनियर था उसको नॉन लीनियर बना दिया। तो इस वे में आप अब सबसे पहले फीड फॉरवर्ड में क्या करोगे कि आपके पास इनपुट था, आपने यहां एक्स आई थी स्टार्टिंग में, एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई प्लस बी आई किया, यहां पर इसमें इनपुट किया और आउटपुट किया। आउटपुट करने यहां से ये करने के बाद भी आपको यहां पर अगेन डब्ल्यू आई होगा, एक बी आई होगा, अगेन यहां पर होगा, यहां भी फिर बाद में एक डब्ल्यू आई और होगा, फिर बी आई और होगा, और फिर आप फाइनल वैल्यू प्रिडिक्ट कर लोगे। तो यहां पर जो आपका मेन एम होगा कि एक यहां पे जो वैल्यू आ गई, इसको कैलकुलेट करके, इसको कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी ना, क्योंकि यहां पर क्या होगा, एक्स आई इंटू डब्ल्यू टू प्लस बी टू, और यहां पर ये दोनों एक्टिवेशन फंक्शन में गए, फिर क्या हुआ, अगेन डब्ल्यू आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, यहां पर डब्ल्यू थ्री हो जाएगा बी थ्री, डब्ल्यू फोर बी फोर, और इनको फिर सम कर दिया, और एक आपके पास वैल्यू आ गई जो कि आपने कैलकुलेट करके ली। तो ये वाली वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट की है या प्रिडिक्ट की है, और एक्चुअल वैल्यू, उसके स्क्वायर को हम बोलते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। तो जब उसके आपने सभी वैल्यूज को लिया, ठीक है, एस माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो वो क्या हो गया, सम ऑफ स्क्वायर, हमने इसको मिनिमाइज करना है। तो अभी आपने कैलकुलेट कैसे की, आगे से आगे आप इस डायरेक्शन में चलते गए, ये क्या हो गया फीड फॉरवर्ड। फीड बैकवर्ड में क्या होगा, या बैकवर्ड प्रोपेगेशन में, कि आपको ये वाली वैल्यू को आप मिनिमाइज करना है, देन यू हैव टू रीएडजस्ट और ऑप्टिमाइज दी वेट्स एंड बायस वैल्यूज। तो आप ऐसे करते जाओगे, और अब इसमें क्या है कि बेस्ड ऑन दिस आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इस तरह के क्या बोलोगे, बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क मॉडल। इज इट क्लियर और एनी डाउट? डाउट है तो पूछो भाई। चलो एक बार स्लाइड में मैं दिखाता हूं आपको, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ये सिंपल मॉडल है, ये W1, W2, WM ये क्या है, वेट्स, क्लियर। सो व्हाट विल बी दिस, ये सिग्मा किस लिए होगा, एनीवन क्या होगा, अभी तो बताया ये सिग्मा किस लिए होगा, यस शिवम, सम ऑफ एक्स वन डब्ल्यू वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू टू, नहीं नहीं ये सिग्मा का मतलब क्या है वैसे, समेशन, समेशन, यहां पर ये समेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वैसे हम एक बायस फैक्टर भी लेंगे, ठीक है, जो इसके साथ ऐड होगा, वो इन्होंने लिया नहीं हुआ,
उसके बाद हमने समेशन किया, और इसका मतलब क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेशन। हाँ, इसको एक्टिवेशन फंक्शन के साथ हमने किया, और हमारे पास क्या होगी फाइनली? एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होगी। क्लियर? तो जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्लियर? अब जब W नॉट के साथ किया तो उसकी वैल्यू का एक वन था, तो उस वे में ही उन्होंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सिग्मोइड फंक्शन है, जो सिग्मोइड फंक्शन को किस फॉर्म में लिया है इन्होंने? एक्टिवेशन फंक्शन की फॉर्म में इन्होंने लिया है। क्लियर? ये सिग्मोइड फंक्शन इन्होंने और भी दिया है, हाइपरबोलिक टेंजेंट इसको भी ले सकते हो, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट लिया है उसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली डीप लर्निंग के मॉडल है न्यूरल नेटवर्क, तो हम उसी तरह से चलते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन, एक्टिवेशन फंक्शन का एक ही पर्पज है कि ये नॉन लीनियरिटी को मॉडल में एड करता है। ठीक है, ये नॉन लीनियरिटी को, अब यहां पर अगर आपने ग्रीन वाले को चूज करना है तो किस तरह की कर्व बनेगी नॉन लीनियर? तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू नॉन लीनियर मॉडल्स ओनली। क्लियर? क्लियर, ये देखो लीनियर से ये अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाएगा, अब नॉन लीनियर से ये ऐसे क्लासिफाई हो गया है। क्लियर? यहां पर नंबर ऑफ इनपुट्स आर मोर, थ्री इनपुट्स हैं, तो उस वे से ये चला। क्लियर? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो? देखो अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। ओके, सो लेट अस डू, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जो हमने किया है, मे बी कईयों को समझ में ना आए, कि हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगे, इसको x1, x2, x3 आप जैसे मर्जी बोल लो, ठीक है, xi बोलना है, xi। उसके बाद हमारे पास वेट्स होंगे, वेट्स को मैंने स्केयर, या इसको आप ऐसे मान लो, ठीक है, और एक बायस वैल्यू हो सकती है, यहां पर एक्टिवेशन फंक्शन होगा। फिर वेट्स हो सकता है, फिर बायस हो सकता है, और फिर आउटपुट वैल्यू, ऐसी इसमें चलेंगी। ऐसी इसमें चलेंगी, तो यहां पर जो फाइनल वैल्यू आएगी ये सम करके जो भी प्रेडिक्टेड वैल्यू आएगी, अगर हम इस वे में चले हैं तो ये कौन से टाइप का न्यूरल नेटवर्क हो गया? फीड फॉरवर्ड। अब यहां पर जो वैल्यू प्रेडिक्ट करी एक्चुअल वैल्यू से, उसका जितना डिफरेंस था, ठीक है, उसके बेस पर हमने सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर वैल्यूज निकाल ली, और उसको दोबारा बैक प्रोपेगेट करने लगे ताकि ये डिफरेंस कम से कम रहे, और हम वी वांट टू रीएडजस्ट दीज वेट वैल्यूज एंड बायस वैल्यूज। तो इस तरह के उसको क्या बोलेंगे? बैक प्रोपेगेशन न्यूरल नेटवर्क। क्लियर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ, यहां पर लेयर्स हो सकती हैं आपकी जिसको हिडन लेयर्स बोलते हैं, उनका क्या पर्पस है? कि जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छे से फिट होगा डेटा के ऊपर, लेकिन ज्यादा अच्छे से फिट होने के कारण कई बार ओवरफिटिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, और एक
हिडन लेयर में जितने न्यूरॉन्स होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, विड्थ ऑफ दैट लेयर। क्लियर? सर इसमें एक डाउट था। बोलिए सर, जो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद जो वेट्स और बायसनेस लगाई है उसका क्या रोल है? रोल तो देखो बेसिकली वेट क्या करेंगे, वेट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। आपने एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आपको एक वैल्यू मिली, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, और उसमें भी बायसनेस डाल दी। वो ऐसा करने का पर्पस क्या है अगर आप सोच के देखोगे, ताकि जो भी आपका नॉर्मली वो लोकली फिट होता है डेटा वो ना रहे, लोकल कन्वर्जेंस के लिए ना रहे, ठीक है। सो व्हेन यू वांट टू, अगर आप वेट को अपडेशन का फंक्शन क्या होगा, ये लर्निंग रेट मान लो, ये कॉस्ट फंक्शन, और ये उसके जिसके भी कंपैरिजन में आपने ये इसको किया है, ठीक है। अगर बीटा है तो बीटा जो भी आपका ये कॉफिशियंट्स जिसके वे में आप, जैसे हम उसका करते थे क्या कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, तो ये क्या हो गया आपका लर्निंग रेट। तो इसको प्लस करना है प्लस कर लो, माइनस करना है माइनस कर लो, तो बेसिकली यू वॉन्ट टू रीएडजस्ट दी वेट्स। अब अगर मैं जो आपकी बात मानता हूं कि ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है अगर यहां पर ये W3 लेता ही नहीं, मतलब W3 equals to zero और biasness equals to zero, मे भी आपका काम फिर भी चल जाता, ठीक है। लेकिन ज्यादा वेट होने से क्या होगा कि उसको दोबारा से हम कुछ ना कुछ रीएडजस्ट कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहां से लर्न कर रहे हैं ना। वैसे तो अगर आपका कोई भी मॉडल है तो हम ट्रेन करते हैं, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं कि उसकी इनपुट कैसी थी और आपकी जो एक्चुअल ट्रेनिंग डेटा है उसमें क्या इनपुट दी हुई है, और उसके बेस पर हम इन वेट्स की वैल्यू को रीएडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो अब आपके जो इस वाले ने एक्टिवेशन फंक्शन है, यहाँ के बाद लेट अस सपोज सिग्मोइड मॉडल था तो उसने कोई वैल्यू दे दी हमें, लेट अस सपोज वो 2.5 आ गई, और हम उसको अगेन उससे वो कर रहे हैं, तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू आई है ना, ताकि हम उससे अच्छे से उसके करीब ये वाली वैल्यू लेकर आ सके, ताकि हम अपने सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर को मिनिमाइज कर पाए। क्लियर हुआ पॉइंट के नहीं? यस सर। अगर ना लेते ये, अगर आप नहीं लेते तो क्या होना था, W1 था B1 था इससे पहले, तो आपके पास सिर्फ यही था एडजस्ट करने को, और इसमें जो वैल्यूज आ गई वो आपकी आ जाती। लेकिन इसको एक ऐड करने से क्या एडवांटेज मिल गया, क्या आप यहां भी इसकी वैल्यूज को एडजस्ट करके जो यहां से आउटपुट आएगी उसको अपने एक्चुअल वैल्यू के साथ ज्यादा रिलेटेबल बना सकते। ये तो एक एग्जांपल है, चाहे आप इसके इसमें तो बड़े कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये डीप लर्निंग का पार्ट है, अभी CNN, RNN, LSTM, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी वैल्यूज ये W3 equals to 0 और B equals to 0 के साथ ही एडजस्ट हो रही है, तो इसको 0-0 कर दो, कोई इशू ही नहीं है। जैसे इन्होंने जो स्लाइड में दिया है उसमें वो कौन सा इन्होंने लिया है, जो स्लाइड्स में आपने अभी अभी देखा होगा स्टार्टिंग में, यहां पर कौन सा लिया है, एक्टिवेशन फंक्शन के बाद सीधा प्रेडिक्टेड वैल्यू ही है। क्लियर? यस सर। वो तो आपके ऊपर है ना, आप जिस हिसाब से मॉडल करोगे। सो इज इट क्लियर? यस सर। सो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम। यहां पर स्लाइड्स होंगी जेनेटिक,
वेट अ मिनट, सो अब जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ये भी नेचर इंस्पायर्ड है. सो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स में हम क्या करते हैं कि हम या तो मिनिमाइज करते हैं किसी चीज को या मैक्सिमाइज करते हैं. तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज किसको करते हैं? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को. सो जैसे आप लोग ग्रेडियंट डिसेंट में भी एक एरर फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे थे, तो ऐसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां भी कोई ना कोई होगा जिसको हमने मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होगा. ठीक है, सो उसी के ऊपर है, इसको देखते हैं. अभी जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स दैट आर बेस्ड ऑन मैकेनिक्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड नेचुरल जेनेटिक्स. मतलब ये जो डार्विन का रूल था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उसके ऊपर है. तो इसमें क्या है कि हमारे पास देखो क्या है आपके पास, लेट अस सपोज मैं कह रहा हूं कि एफ एक्स वन कॉमा एक्स टू है, कोई फंक्शन है एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, इसको आपने मिनिमाइज करना है और कंस्ट्रेंट दिया हुआ है ये. ठीक है, तो कोई भी कंस्ट्रेंट हो सकता है. तो यहां पर ये जो x1 x2 की वैल्यूज हैं, हमें ये फाइंड आउट करनी है कि कौन सी होंगी ताकि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए. तो ये इसका बेसिक होगा. तो अब इसको कैसे करेंगे, हम पहले रैंडमनेस से करेंगे कि x1 x2 की इनिशियल पॉपुलेशन ले ली. ठीक है, उसके ऊपर हमने कुछ आगे प्रोसीजर्स किए और इनकी वैल्यू को x1 x2 को अपडेट करते जाए. अब एक तो मेथड है कि आपने हमेशा रैंडम वैल्यू ले ली तो ऐसे ही कर लिया, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. तो अगर कोई लॉजिक नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत सारी आइट्रेशंस करने पड़ेंगे टू ऑप्टिमाइज. लेकिन अब जेनेटिक एल्गोरिदम में हम ऑप्टिमाइजेशन तरीके से चलेंगे ताकि हमें सोल्यूशन अच्छा मिल सके. सो जनरली आपने जेनेटिक में देखा होगा कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है किसी भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का. यस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम की? एनीवन? यस शिवम. यस शिवम वैभव. ड्रॉबैक या कोई भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का क्या हो सकता है कि अगर हमने मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करनी है, लेट अस सपोज मिनिमम पॉइंट इज हियर, हम कई बार लोकल मिनिमा में ही रह जाते हैं. तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही सारे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम अच्छे से वर्क करते हैं. और इसकी ये कैसे होगी ऑपरेशन? यूजिंग मोर रैंडमनेस. क्लियर? अब एक ही सोल्यूशन के आसपास अगर आप घूमते जाओगे तो ये आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि ये लोकल ये मिनिमा है, तो आपका कभी भी आप ग्लोबल मिनिमा में नहीं जा पाओगे. तो ये बात हमेशा याद रखनी. ठीक है, अब जेनेटिक एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है? इट बिगिंस विद रैंडमली सिलेक्टेड पॉपुलेशन विच आर सेटिस्फैक्टरी टू द प्रॉब्लम. अब जैसे मैंने प्रॉब्लम दी थी आपको कि आपके पास है एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर और सब्जेक्ट टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन. ठीक है, तो आप इसको सेटिस्फाई करते हुए फोर लेट अस सपोज पॉपुलेशन साइज इज इक्वल टू फोर, तो आप ऐसे चूज करोगे ना 0.7, 0.3, 0.6, 0.4, 0.9, 0.1.
ठीक है, इनिशियली आपने ऐसे चूज कर, तो इस चीज को बोलेंगे हम इनिशियली इनिशियल पॉपुलेशन। क्लियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिटनेस फंक्शन, फिर क्या करोगे इसमें, इसकी वैल्यू डालकर देखोगे कितनी आएगी। अगर ये 0.5 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर, 0.7 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर, 0.6 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, 0.9 स्क्वायर प्लस 0.1 स्क्वायर। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमने ये वाले तीन मैकेनिज्म अप्लाई करने हैं, और ये बार बार अप्लाई करेंगे जब तक हमारा सॉल्यूशन कन्वर्ज ना कर जाए, या फिर जितनी हमने सोचा है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर 100 देनी है तो 100 आ गई, तो उतनी देर तक वो चलता जाए। अच्छा, यहां पर आइट्रेशंस का मतलब क्या है? अब देखो, स्टार्टिंग में आपने इनिशियल पॉपुलेशन से इस फिटनेस फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही बोलते हैं, वहां पे आपने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इन सॉल्यूशंस के ऊपर जो इनिशियल पॉपुलेशन के थे, जो चार सॉल्यूशन आपने लिए थे 0.5, 0.5, 0.7, 0.3, 0.9, 0.1, तो इनके बेस पर आपने और कर ली। फिर आपने डिफरेंट ऑपरेशंस भी कर लिए कि नए सॉल्यूशन आपके पास आ जाए। ठीक है, अब लास्ट में क्या करोगे, फिर जब ये नए सॉल्यूशन आ गए तो अगेन आप एक आइट्रेशन यही काम दोबारा से करोगे, फिर यही काम दोबारा से। ये कब तक करते जाओगे? या तो जब तक आपका सॉल्यूशन कन्वर्ज ना कर जाए, या फिर आपकी नंबर ऑफ आइट्रेशन जितनी आपने सेट करी है उतनी पहुंचना है। ठीक है, सो हमने अब ये काम करना है। तो अब पहला है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन क्या है, देखो ये बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो भी आपका पेरेंट्स हैं, दो सॉल्यूशंस को आपने पेरेंट किया माना, और उनके बीच में आपने क्रॉसओवर किया, और जो नया सॉल्यूशन आ गया, जो चाइल्ड सॉल्यूशन आया, वो अब फिर आपके लिए हो गया। और जब भी चाइल्ड सॉल्यूशन आएगा तो आप उसमें कुछ रैंडमली चेंज करोगे, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो लोकली ना रहे, वो ग्लोबली मिनिमाइज कर जाए। तो उसको आप उस जो माइल्ड आप रैंडमनेस डालोगे, उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, म्यूटेशन। और फिर आप ये आइटरेटिवली ऐसे करते जाओगे। तो यहां पर अब सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन के बहुत सारे मेथड्स लिटरेचर में पॉसिबल हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पॉपुलेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट सॉल्यूशंस, मतलब जो भी आपका 0.7, 0.3 है, ये कैंडिडेट सॉल्यूशन है, 0.5